एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर खाना शाना खाने। मुझे था 5 डेज का ऑफ और ये लास्ट डे था, तो हमने सोचा कहीं घूमने शूमने चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोसरी करने भाई को, क्योंकि ना अभी सारे खाना खा कर आए हैं, फिश वगैरह, और हमारे लिए लेकर आए थे मेरे और भाभी के लिए। ना भाभी को जाना था कहीं काम पर, वो लोग हम लोगों को ड्रॉप कर गए थे अलफतेह के सामने। तो हम लोगों ने अलफतेह से ग्रोसरी वगैरह की, घर की चीज़ें वगैरह ली, और फिर हमने जो है ना बीबी की शॉपिंग की वहाँ से। तो वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग जो है ना उनका वेट कर रहे थे भाई का। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे डीएचआर आया, जो के पास ही था। तो हम लोग डीएचआर आया वाले अलफतेह में गए थे, वहाँ से फ्री होकर भाई ने हम लोगों को पिक कर लिया था। तो हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं घर, एंड अब ड्राइविंग कर रहे हैं दूसरे भाई। सो अभी हम लोग यहाँ से घर जा रहे थे कि रास्ते में प्लान बना कि हम लोग यहाँ से चलते हैं कसूरी। वहाँ से मामा को कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ स्वीट्स वगैरह लेनी थी। वहाँ की स्वीट्स जो हैं बहुत टेस्टी, बहुत लजीज़ होती हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम लोग कसूरी चलते हैं। और रास्ते में हम लोगों का प्लान हो रहा था मीठा पान खाने का, जेदी का पान, वो काफ़ी मशहूर है, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया क्योंकि हम लोगों ने फिर सोचा कि हम वहीं से जाके कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कसूरी और भाई जो हैं ऑर्डर देने गए हुए हैं। तो अभी हम लोग गाड़ी जो है वो पार्क करेंगे किसी अच्छी जगह पर, और फिर जो है ना हम लोग आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से स्वीट्स ली थी, और हम लोगों को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट्स उन लोगों ने दी थी टेस्ट करने के लिए, और ये अपने हर कस्टमर को देते हैं। हम लोगों ने कुछ लाइट सा खाना था, तो सोचा हम लोग यहीं से खा लेते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर की थी रबड़ी, तो अभी हमारी रबड़ी भी आ रही होगी, और साथ साथ जो है ना इनकी कॉम्प्लीमेंट्री जो स्वीट्स थी वो भी हम लोगों ने इन्जॉय की। इसके अलावा जो स्वीट्स हम लोगों ने परचेज़ की थी वो भी हमारी आ चुकी हैं। तो ऑर्डर हमारा आ चुका है और अब वेट हो रहा है रबड़ी का, वो आता है तो वो भी ट्राई करते हैं। तो ये तीन इन्होंने हमें दी थी, इसमें था गुलाब जामुन और दो पता नहीं कौन सी शायद बर्फ़ी थी या कौन सी मिठाई थी, तो इसका तो मुझे नाम नहीं पता, बहुत डिफरेंट थी। खैर मज़े की थी इनकी मिठाई, और इनकी मिठाई वैसे ही बहुत मज़े की होती है। तो अभी हमारी यहाँ पर जो है रबड़ी भी आ चुकी है। तो ये रबड़ी काफ़ी डिफरेंट थी, मुझे लगा था कि मतलब मैंने ऐसी रबड़ी कभी ज़िंदगी में नहीं पी, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश इनकी रबड़ी थी, और जो ऑथेंटिक रबड़ी होती है जिसे घर में बनते, तो जो टेस्ट होते हैं इनका भी बिल्कुल सेम वैसा टेस्ट था। और अगर आप लोग कहीं और से पीते हो तो वो बहुत थिक होती है, और मतलब उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और खाला और चाचू आए थे जिम से, तो आज मामा जो है उनके साथ नहीं गई थी, तो खाला और चाचू घर आ गए थे। हम लोगों ने यहाँ पर हलवा पूरी का नाश्ता किया, साथ में गोभी और रोटी थी। तो मामा और खाला का प्लान हो गया था खाला की तरफ जाने का, मामा वहाँ से आई थी, उसके बाद मामा के जिम का भी टाइम हो गया था। तो अभी यहाँ पर मैं मामा के साथ आई हूँ जिम, तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और मामा जो है अपना काम शाम कर रही हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, घर का भी सारा काम शाम किया, मेट्स वगैरह को मैंने जो है उनसे काम शाम करवाया, इसके अलावा पूरा घर जो है ना मैंने सेट वेट किया था। तो अभी थक गई थी मैं, और यहाँ पर जो है अभी मुझे रेस्ट ही कर रही हूँ, घर जाके मैं सो जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की नींद भी आ रही है, और कल यूनिवर्सिटी भी जाना है मैंने। तो अभी गाइज हो चुके हैं नेक्स्ट डे, और मैं थी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी हम बैठ चुके हैं शटल में, क्लासेस वगैरह ले ली थी, और अभी हम जाएंगे मेन कैंपस में, और मेन कैंपस में जाके आपको सारा सीन दिखाती हूँ। तो ये है जी हमारा हंजरवाल कैंपस ही अभी, और शटल जो है अभी वो चलना स्टार्ट हो चुकी है, हम अपने स्टॉप पर उतरेंगे। तो अभी मेरी फ्रेंड जो है वो बाकी अपने अपने स्टॉप पर उतर चुकी हैं, मेरी बस एक फ्रेंड है जो कि मेरे साथ मेन कैंपस जाएगी, और मेरे साथ 4 बजे तक वहाँ पर मेन कैंपस में रहेगी। तो यहाँ पर आज शटल में मुझे कोई जूनियर मिली थी, तो उससे जो है मेरी अच्छी खासी जो है ना सलाम दुआ हो गई थी, और ये मेरी किटी प्लस मिरर। और अभी लैपटॉप था, आज लैपटॉप वाली क्लास थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जिस दिन लैपटॉप लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी जो है ना भारी हो जाता है। और यहाँ पर आज आ गए थे हम लोग मेन कैंपस, और अभी हम लोग गेट नंबर 4 पर उतरे हैं। तो आप लोगों को पता है कि मुझे यहाँ की फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी हम लोग यहाँ से लेंगे फ़्राइज़, और किसी दिन इनका रोल और समोसा भी ट्राई करेंगे, क्योंकि वो तो हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ फ़्राइज़ ट्राई की हुई हैं यहाँ की। और अभी हमारी फ़्राइज़ जो है ना वो बन रही हैं, और बनती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और बाकी इनकी मेकिंग भी आज आपको मैं दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, वैसे आज का लेक्चर बहुत मज़े का था, और अभी जाके उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 4 बजे तक रुकना है तो कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। तो हम लोग जाके जो है अपना काम शाम कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोगों ने कोई स्पॉट ढूंढना है बैठने का, क्योंकि आज हम लोग जो है मेन लाइब्रेरी में तो एक खा नहीं सकते, और दूसरा लाइब्रेरी में इतनी देर बैठा नहीं जाता। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग जो है मैथ डिपार्टमेंट के कॉमन रूम में बैठते थे, वहाँ पर ना कारपेट्स होते हैं तो इतनी देर बैठने में मज़ा नहीं आता, तो हम लोग आज कोई और कॉमन रूम देखेंगे, क्योंकि बाकी कॉमन रूम में तो सोफ़ा सीट्स होती हैं या नहीं तो चेयर्स होती हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को कोई कॉमन रूम मिल नहीं रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि फ़्राइज़ ठंडी हो रही हैं तो पहले बैठ के फ़्राइज़ खा ली जाए।
तो बहुत मुश्किल से हम लोगों को एक कॉमन रूम मिला, और कॉमन रूम इतना कमाल का है कि यहाँ पर अटैच वॉशरूम भी है साथ में, और अटैच वज़ू करने की जगह है, फ्रेश होने की जगह है, साथ में मिरर लगा हुआ है कि यहाँ पर आप लोग रेडी शेडी हो सकते हो। टेबल आपको मिलेगी, आपको सोफ़ा सीट्स मिलेंगी, आपको नॉर्मल चेयर्स मिलेंगी, प्लस यहाँ पर एसी भी था, नहीं तो बाकी कॉमन रूम में फ़ैन्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे कॉमन रूम में एसी होते हैं, लेकिन ये था कि हम लोगों को अच्छा कॉमन रूम आज मिल गया था। लेकिन कॉन्वोकेशन थी कल, तो उस वजह से ना वहाँ पर सारा बिजी रूटीन चल रही थी, तो कॉमन रूम को भी जो है ना उन लोगों को लॉक करना था, या पता नहीं वहाँ से चेयर्स वगैरह उठानी थी कॉन्वोकेशन के लिए, तो वहाँ से भी हम लोगों का कॉमन रूम वाला सुकून जो है ना ख़त्म हो गया था। और अभी हम लोग आए हैं गर्ल्स कैंटीन, तो यहाँ बैठ के अपनी थोड़ी पढ़ाई शढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा काम शाम करेंगे, जो कि आज सर ने कोडिंग पढ़ाई थी वो यहाँ पर हम लोगों ने बैठ के कोडिंग शोडिंग की प्रैक्टिस की। और अभी थोड़ी देर बाद ना हमारा टाइम होने वाला है बस का, तो मेरी फ्रेंड जो है ना यहाँ से अभी चली गई थी अपनी बस के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कोडिंग की, और इतने मज़े का मैंने इसका मेकअप किया, और पिंकी पिंकी सी जो है ना अपनी कोडिंग बना ली है, और टॉपिक मैंने चूज़ किया था फ्लावर पे। तो खैर आप लोगों को जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है उनको समझ नहीं आएगा, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी। तो ये इतनी मुश्किल इसका बैकग्राउंड कोडिंग होता है, और मिलता कि आपको ये पेज इतना छोटा सा पेज। तो खैर यहाँ पर मैंने अपना काम शाम कंप्लीट कर लिया है, और थोड़ा बहुत जो है ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम गुजारूंगी, क्योंकि फिर खड़े होकर शटल का वेट शटल नहीं बस का वेट करना पड़ता है, तो उससे बेटर है क्या हम यहाँ पर बैठे रहें, क्योंकि एक तो यहाँ पर गर्मी नहीं है, ऊपर फैंशन चल रहे होते हैं और सारा कवर है, और साथ में जो है दरख्त वगैरह हैं, तो यहाँ पर गर्मी नहीं लगती इतनी ज़्यादा ना, एक बार बंदा बैठ जाए तो मौसम जो है वो ठीक हो जाता है। तो साथ यहाँ पर मिरर भी लगे हुए हैं, तो जाने से पहले बंदा एक बार अपने आप को यहाँ पर सेट वेट भी कर सकता है। तो खैर अभी जो है ना हम लोग चलते हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर चार पूरे चार बज चुके हैं। खैर बस जो है वो 4:15 तक ही आती है, लेकिन टाइम जो है वो 4 बजे तक है, तो हम लोग कोई रेस्ट नहीं लेते, क्योंकि फिर मुझे 5 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं और जाके बस का वेट करते हैं, और फिर घर चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये जिस दिन भी लैपटॉप वाला डे होता है ना वो बहुत टायरिंग डे होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमने यूनिवर्सिटी में रहना होता है, 4 बजे तक, सुबह 7 बजे से 4 बजे तक लैपटॉप उठाना, इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो यहाँ पर बाकी स्टॉप्स की बसेज आना स्टार्ट हो चुकी हैं, जब एक बार बसेज लाइन वाइज आना स्टार्ट हो जाए तो फिर हमारी बस भी ना जल्दी आ जाती है। तो अभी कुछ देर में मेरी बस आने वाली होगी, और यहाँ पर मेरी बस आ चुकी थी, और फाइनली आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीट मिल गई है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लैपटॉप वाला पूरा डे होता है और उस दिन मुझे सीट भी नहीं मिलती, तो पूरा रास्ता भी ना लैपटॉप हाथ में उठा के जाना पड़ता है, और ऊपर से अंकल इतनी गंदी बस चलाते हैं ना, मतलब इतनी स्पीड में बस चलाते हैं कि कोई भी सामने आ जाए तो उसके बचने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। तो अभी जो है ना बस चल चुकी है, तो मुझे कोई आधा घंटा लगेगा घर पहुँचने में, अभी घर चलते हैं। और सर ने कुछ होमवर्क दिया था घर में करने के लिए, और मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ घर जाके, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, तो मैंने अभी यूनिवर्सिटी में ही अपना काम श्रम जो है ना वो कम्प्लीट कर लिया नेक्स्ट वीक तक का, तो अभी मैं आराम से घर जाके सो सकती हूँ। तो अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल काफ़ी टायरिंग डे थी, क्योंकि क्लासेज जो है ना हम लोगों को 4 दिन ऑफ होते हैं, और बाकी 3 दिन जो होते हैं वो कंजेक्टिवली क्लासेज होती हैं, तो रोज़ रोज़ यूनिवर्सिटी आना काफ़ी टायरिंग हो जाता है, तो इसलिए जो है ना व्लॉग भी लेट आते हैं, और मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो डाउन हो जाती है। तो अभी मैं आई हूँ दोबारा से, नेक्स्ट डे है और मैं यूनिवर्सिटी आ चुकी हूँ, यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड्स का भी वेट कर रही हूँ, शटल का भी वेट कर रही हूँ, प्लस और मैं 7:15 तक जो है ना यूनिवर्सिटी पहुंच जाती हूँ, और 8 बजे जो है ना एग्जैक्ट वो आती है शटल, तो मैं थोड़ी वर्कशॉप करती हूँ यहाँ पर जो है ना, फिर फ्रेंड्स आ जाती हैं उनके साथ बातें शातें करते हैं, और थोड़ी देर तक फिर शटल आ जाती है, और आ गई हूँ मैं अपने मेन कैंपस में। और यहाँ पर सबसे पहला काम होता है मेरी फ्रेंड का वॉशरूम में जाना, फ्रेश होना, और अभी हम लोग यहाँ पर एज़ यूजुअल वॉशरूम में आ चुके हैं, और यहाँ पर इनकी विंडो के पीछे जो है ना बैक साइड पे ये है डे केयर सेंटर, और यहाँ पर झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, और दिल करता है कि बंदा खुद भी ले ले। खैर अभी हम तो बड़े हो चुके हैं, और एमफिल में झूले लेते हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे, खैर वैसे तो ले सकते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में लेते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर अभी क्लास ले रहे हैं, और आज है सर हामिद की क्लास, तो 3 घंटे सर कंसेक्यूटिवली पढ़ाते हैं, काफ़ी टायरिंग हो जाता है। और यहाँ पर मैंने एयरपोर्ट सामने रखे तो हैं लेकिन गाए नहीं हुए थे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेने चाहती, अभी स्टार्टिंग है तो देखेंगे बाद में हम लोग अपनी ये हरकतें भी करेंगे। और अभी जो है ना सब जा चुके हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड का मैं वेट कर रही हूँ, वो गई हुई थी लाइब्रेरी में अपने किसी रिलेटिव से मिलने, उनके रिलेटिव यहाँ पर होते हैं तो उनसे मिलने गई थी, और मैं यहाँ पर वेट कर रही थी उसका, और बाकी पूरी क्लास खाली हो चुकी है, और मैं और मेरे साथ
एक लड़की और है, वो भी अभी आई है। उससे पहले मैं क्लास में अकेली थी और ये है जी मेरी क्लास। और आज जो है ना अकेली शायद मैं जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊं क्योंकि शटल आ जाती है 1 बजे। तो मामा ने मुझे कॉल करके कह दिया था कि आप जो है ना शटल में ना जाना क्योंकि हम आपको आपके कैंपस से ही पिक कर लेंगे। और वो जो है भाभी को छोड़ने आए थे क्योंकि भाभी भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और आज उनकी कॉन्वोकेशन थी, तो वो उनको ड्रॉप करने आए थे, तो वहाँ से मुझे पिक कर लेंगे वो रास्ते में। तो उन्होंने मुझे पिक तो कर लिया था और अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता करने आए क्योंकि भाई ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था और मुझे भूख लग रही थी। और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया था आलू का पराठा और इतना लजीज आलू का पराठा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। और साथ में थे चपली कबाब, बहुत ही क्रिस्पी पराठा था और साथ में कबाब का कॉम्बो बहुत ही मज़े का था और ऐसा लग रहा था पराठा रोल है। और साथ साथ हम लोगों ने चाय पी और चाय भी काफ़ी कड़क थी और बहुत मज़े की थी। और अभी हम दोबारा से यूनिवर्सिटी आ चुके हैं भाभी को पिक करने। फिर टाइम तो मेरा वही हो गया 4 बजे तक का, लेकिन अपनी फैमिली के साथ फिर थोड़ा बेटर होता है। और साथ में गाड़ी में एसी वगैरह तो फिर भी बेहतर था यूनिवर्सिटी से क्योंकि यूनिवर्सिटी में मुश्किल से एसी मिलता है मेन कैंपस में आके। तो अभी हम यहाँ पर दोबारा से यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, यहाँ से करेंगे भाभी को पिक। और अभी हम लोग जा रहे हैं कसूरी फिर से क्योंकि कसूरी में फिर से मामा को कोई काम था, कोई घी शी लेना था, मामा ने देसी घी, तो वहाँ पर आए। और उससे पहले हम लोग आए थे यहाँ पर, जाते हम लोग वहाँ रहते लेकिन उससे पहले भाई को काम था क्योंकि गाड़ी का कवर जो है वो थोड़ा छोटा आ गया था, हम लोगों को चाहिए था थोड़े बड़े साइज़ का। इसके अलावा 1-2 काम और थे गाड़ी में, वो भाई ने कराने थे। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं भाई का, भाई काम शाम कराएंगे। उसके बाद जो है हम लोग गए थे कसूरी, वहाँ से फिर हम लोगों ने वो रबड़ी पी और साथ में काफ़ी वेट किया यहाँ पर, हमारा काम काफ़ी लंबा हो गया था। फिर 5 बजे एग्जैक्ट हम लोग घर पहुँचे, घर आके हम लोगों ने बनाई मटन बिरयानी। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खाना शाना, काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, उसके बाद मैंने रेस्ट किया, सो गई थी मैं। और अभी उठ के मैं खाना खाऊंगी और फिर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का काम देखूंगी, घर के काम शाम में थोड़ी सी मम्मी की हेल्प कराऊंगी। और रात को आ गए थे भाभी के घर वाले क्योंकि कॉन्वोकेशन की सेलिब्रेशन करने है उनकी, तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय के साथ इंतज़ाम किया था उनका। तो फिर से सो गई थी और इट्स नेक्स्ट डे, 3rd डे ऑफ माई कंजेक्टिव क्लास। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ यूनिवर्सिटी और आज जो है ना काफ़ी कम बच्चे हैं शायद, क्योंकि सुबह टाइम तो मुझे बस मिल जाती है, सीट मिल जाती है बस में, लेकिन विंडो सीट नहीं मिलती। तो आज मुझे विंडो सीट मिल गई है और अभी जो है ना मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने विंडो बंद कर दी थी क्योंकि वोल्टेन कहलाता है, आप लोगों को पता है, सुबह सुबह ही मतलब अच्छा खासा जो है ना पोल्यूशन को फेस करने से अच्छा था विंडो बंद कर दी जाए, तो मैंने विंडो बंद कर दी थी। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ यूनिवर्सिटी और बस अभी जो है ना हम लोग फिर से ऑडिटोरियम के बाहर उतरेंगे फैसल ऑडिटोरियम के बाहर, और फिर मैं अपनी फ्रेंड्स का वेट करूँगी और फिर हंजरवाल जाके आपको जो है ना सारा कुछ दिखाऊँगी। और आज का दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मोस्टली सबकी बसेज 4 बजे तक आती हैं, तो आज काफ़ी मज़े का दिन होने वाला है क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स ने 4 बजे जाना है। तो आज हम करेंगे यूनिवर्सिटी में फ़न। और मैं सोच रही हूँ कि मेन कैंपस आने के बजाय ना अपनी फ्रेंड्स के साथ उनके स्टॉप पर उतर जाऊँ। द रीज़न इज़ कि मेरी जो बस का पहला स्टॉप है ना वो वही वाला है जहाँ पर मेरी फ्रेंड्स ने उतरना होता है जो उनका स्टॉप है, लेकिन मैं वहाँ पर इसलिए नहीं उतरती क्योंकि एक तो वहाँ पर कॉमन रूम में बैठने नहीं देते क्योंकि वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट वालों को अलाउ करते हैं, और दूसरा मेरी फ्रेंड्स की बसेस तो 1:30 बजे आ जाती है, उसके बाद मुझे अकेले वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं मेन कैंपस आ जाती हूँ, लेकिन आज मैं उनके कैंपस उतर जाऊँगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया था, हम लोग जो है ना मेन कैंपस उतरे ना उनके स्टॉप पर उतरे, हम लोग यहाँ पर हंजरवाल में ही वेट करें और 3:30 बजे हम लोग जाएंगे उनके वाले स्टॉप पर और वहाँ से अपनी बस लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी भूख लग रही थी हम लोगों को, हम लोगों ने ऑर्डर करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन हम लोगों को कोई अच्छा ब्रांड नहीं मिल रहा था, सारे ब्रांड्स अभी बंद थे। तो हम लोगों ने सोचा यूनिवर्सिटी से ही खा लेते हैं क्योंकि पैकेज भी हमारा ख़त्म हो गया था तो हम लोग ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से हम लोगों ने पहले समोसा लिया, शेक ली, उसके बाद चिप्स का टोका ले लिया था और फ्राइज़ का अभी जो है ना टाइम था बनने में तो हम लोगों को वेट करना पड़ा। तो हम लोगों ने अंकल से कॉम्प्लीमेंट्री फ्राइज़ ली और अंकल ने भी हम लोगों को 80 वाली फ्राइज़ ये जगह 100 वाली फ्राइज़ दी, तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया था। इसके अलावा व्लॉग बना रहे थे हम, तो यहाँ पर अंकल जो है ना चैनल का नेम पूछ रहे थे लेकिन मैंने अभी बताया नहीं। तो अभी हम लोगों ने फ्राइज़ वगैरह खाई और जो शेक हम लोगों ने पिया था उसी की बॉटल से, उसी के जो जार था हमने उससे जो है ना खेला फुटबॉल समझ के उसको। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं दोबारा से शटल में बैठ के इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक सेंटर मेरी फ्रेंड्स उतरेंगे और से अगला स्टॉप है IBA, तो मैं वहाँ से जो है ना 4 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे और 4 बजे बस आ जाती है तो इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। और फिर हम लोग बस में बैठ के आ गए थे घर, घर में आए तो रात को जो है ना गेस्ट वगैरह आ गए थे, बच्चे शच्चे जो है यहाँ पर खेल रहे हैं और मैं अपना काम शाम कर रही थी यहाँ पर थोड़ा सा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई, और पसंद आई तो जल्दी से जल्द लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल टू शेयर माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।